क्या आप भी मेरे तरह नेटफ्लिक्स के दीवाने हैं, लेकिन परेशान हैं उसके महंगे सब्सक्रिप्शन चार्जेस से? तो फिक्र मत कीजिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे नेटफ्लिक्स के सारे मूवीज वीडियोस देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। हाय, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं एब्सोल्युटली टेकी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ और डाउनलोड करते हैं नेटफ्लिक्स का किलर ऐप जिसका नाम है सिनेमा एपीके। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अब हम इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐप काम कैसे करता है। तो ये ऐप पूरे इंटरनेट पर सारे मूवीज़ और टीवी शोज़ को सर्च करता है और उसका लिंक हमें इस ऐप में जिसका नाम है सिनेमा HD उसमें प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए, हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और ये है इसके कुछ रीसेंट चेंजेस, इसे हम ओके कर लेते हैं। और ये देखिए, ये है इसका UI। तो इसमें आप सारे HD, फुल HD हर टाइप के वीडियोज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से बढ़ते हैं टीवी शोज़ की तरफ। तो ये है सारी टीवी शोज़, इनमें से हम एरो को ओपन कर लिए हैं। तो इसका आप नीचे देख सकते हैं कि सीज़न 7 अवेलेबल है और इस ऐप में हम सर्च भी कर सकते हैं और फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो अब हम फ़िल्टर करते हैं 2018 से, जो है करंट ईयर, और देखते हैं कि क्या अवेलेबल है। तो इसमें से अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं नार्कोस को। तो ये देखिए, नार्कोस अवेलेबल है, सीज़न 1 इसका अवेलेबल है। तो अब हम इसे सिलेक्ट कर लिए और सीज़न 1 के इतने सारे एपिसोड्स हमें मिल रहे हैं। तो इनमें से अब हम देखते हैं कि एपिसोड 1 में क्या है। तो ये देखिए, एपिसोड 1 के इतने सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं हमें, जिनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम प्ले करते हैं। तो ये मेरा वीडियो अब लोड हो रहा है और ये देखिए, ये वीडियो लोड हो चुका है। तो अब इसे हम बंद कर लेते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स के कॉपीराइट के इशू की वजह से, बट आप देख सकते हैं कि ये पूरा वीडियो लोड हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस ऐप में मूवीज़ वगैरह भी अवेलेबल है या नहीं। तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं मेन्यू की तरफ और सर्च कर लेते हैं मूवीज़। तो ये है हमारे मूवीज़, लेटेस्ट मूवीज़ अवेलेबल, इनमें से हम नन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, आप इस मूवी को ऑनलाइन देख भी सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इससे नीचे जब आप देखें तो इसमें भी आपको उस मूवी के सारे क्वालिटी और साइज़ के हिसाब से आपको सारे लिंक नीचे मिलेंगे। तो इसमें से भी हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे अपने प्लेयर में प्ले करके देखते हैं कि ये मूवी पूरा लोड हो रहा है और प्ले हो रहा है या नहीं। तो अब इसमें से मैंने MX प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया है और ये कंटेंट लोड हो रहा है। और ये देखिए, हमारा पूरा मूवी अब लोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप सारे मूवीज़ और लेटेस्ट टीवी शोज़ देख सकते हैं फ्री में, बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्जेस के। और वैसे तो ये ऐप फ़िलहाल सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही है और ये ऐप ऐप स्टोर में फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए सारी मूवीज़ और टीवी शोज़ आराम से फ्री में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।